गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 13.3। 13.1 में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के 5 फॉर्मूलाज रीड किए थे। उन 5 फॉर्मूलाज पे ही पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर और टॉपिक बेस्ड है। उन 5 फॉर्मूला से हम कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो 13.1 में हमने मिक्स क्वेश्चन किए थे और 13.2 भी सेम है, तो हमें 13.2 करने की नीड नहीं है। 13.3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज, In how many years will 4,000 rupees amount to 5,324 rupee at the rate of 10% per annum compounded annually? Compounded word आ गया तो हमें पता है कि compound interest से find out करना है, rate given है और बोल रखा है कि 4,000, बताओ कि in how many year means कितने सालों में 4,000, 5,000 something हो जाएंगे, means principal given है और 5,000 हो जाएंगे, प्रिंसिपल से ज्यादा है, तो ये क्या गिवन है, अमाउंट गिवन है, तो हमें टाइम फाइंड आउट कर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में प्रिंसिपल 4,000 है, अमाउंट 5,324 है, रेट 10% कंपाउंडेड एनुअली है, कंपाउंडेड एनुअली है तो हमें कुछ नहीं करना, रेट और टाइम पर सिंपल रहेगा सब कुछ, तो टाइम फाइंड आउट करना है। वही हम अमाउंट का फॉर्मूला लगा देंगे क्योंकि हमारे पास अमाउंट है पड़ा। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस आर बाय 100 की पावर टी। अमाउंट है 5,324, प्रिंसिपल 4,000, 1 प्लस 10 बाय में 100 की पावर टी। इन दोनों का एलसीएम लिया तो क्या आ गया, 110 बाय में 100, 0 से 0 कट, तो कितना आ गया, 11 बाय 10 की पावर टी। 4,000 को लेफ्ट साइड ले गए तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब मैंने ऊपर और नीचे 4 से कट कर दिया, 4,000 था, 4,000 और ऊपर 4 से कट किया तो कितना आ गया, 1,331 आ गया। अब 1,331 और नीचे 1,000 है और राइट साइड पे गिवन है 11 बाय 10 की पावर टी, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन से या फिर एलसीएम से 1,313 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं और 1,000 के, तो कितना आएगा, 11 और 10 दोनों की पावर क्यूब आ जाएगा। तो 11 और 10 और राइट साइड भी 11 और 10 है, तो बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। टी इज इक्वल टू में 3 ईयर, टाइम हमारा निकल गया, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, एट व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी 1250 रुपी अमाउंट टू 1800 इन 2 ईयर्स। अब हमें बताना है कि एट व्हाट रेट, व्हाट रेट मींस कितने रेट से, तो हमें रेट फाइंड आउट करनी है कि 1250, 1800 हो जाएगा, मींस प्रिंसिपल गिवन है, अमाउंट गिवन है और टाइम गिवन है। सो प्रिंसिपल गिवन है 1250, अमाउंट 1800, रेट हमें नहीं पता, टाइम 2 इयर्स गिवन है। अमाउंट का फॉर्मूला पुट करेंगे, प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस आर बाय 100 की पावर टी। 1800 इज इक्वल टू 1250, 1 प्लस आर बाय 100 की पावर 2। अब 1250 को लेफ्ट साइड लेके आए तो डिवाइड में आ जाएगा और जीरो से जीरो कट होगी, 180 बाय 125 रह गया, तो 5 से कट किया, ऊपर 36 और नीचे 25 रह गया। आगे 36 बाय 25 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाय में 100 की पावर 2। 36 बाय 25 को हम एलसीएम फाइंड आउट करके 6 बाय 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर कट, दोनों साइड स्क्वायर है तो स्क्वायर से स्क्वायर कट, तो कितना हो गया, 6 बाय 5 इज इक्वल टू 1 प्लस आर की आर बाय में 100। 1 को लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, 6 बाय 5 माइनस 1, एलसीएम लेंगे, इन दोनों के एलसीएम करके सॉल्यूशन क्या आएगा, 1 बाय 5। 100 को फिर लेफ्ट साइड लेके आएंगे, 100 डिवाइड में, तो राइट साइड आके मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5, 20 जा 100, तो रेट कितनी आ गई, 20%। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अनुराधा इन्वेस्टेड अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। एट द एंड ऑफ 2 ईयर शी रिसीव्ड एन अमाउंट 7,290 रुपीज, हाउ मच अमाउंट डिड अनुराधा इन्वेस्टेड। हमें बोला गया है कि अनुराधा ने एक सर्टेन सम ऑफ मनी डिपॉजिट की 8% पे 2 ईयर्स के लिए और उसको बाद में लास्ट में अमाउंट टोटल कितना मिला, 7,290, तो बताओ उसने कितना डिपॉजिट करवाया, मींस हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल। इन क्वेश्चन नंबर 3 प्रिंसिपल गिवन है, अमाउंट प्रिंसिपल नहीं गिवन, हमें अमाउंट गिवन है, रेट गिवन है और टाइम गिवन है, तो हम अमाउंट का फॉर्मूला पुट करके प्रिंसिपल फाइंड आउट कर सकते हैं। अमाउंट है 7,290,
प्रिंसिपल नहीं पता, 1 + 8/100 की पावर 2, इन दोनों का एलसीएम लिया तो क्या आ गया 108/100 की पावर 2। तो 108/100 की पावर 2 को ओपन किया, 2 टाइम्स ओपन कर लिया। अब पी को हम यही रहने देंगे राइट साइड और इस पूरे को लेफ्ट साइड ले जाएंगे, तो लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा वहां जाके, तो 100 और 100 ऊपर चलेंगे मल्टीप्लाई में और 108 डिवाइड में नीचे आ गए। 108 को मैंने 4 पे कट किया 27 आ गया, फिर 100 को भी 4 पे कट किया 25 आया, फिर इस 107 को सिमिलर 4 पे कट किया और ऊपर 100 को 4 पे कट किया 27 ऊपर 25, 27 जा 21, 27 फिर 1 पे कट किया 27 जा 1 जा 27, 27 1 जा 27 और ऊपर कट किया 7290 को 270 आ गया, फिर 27 से कट किया यहाँ 1 आ गया और ऊपर 10 आ गया, मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 6250 रुपीज, दैट इज प्रिंसिपल। एंड क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, इफ द अमाउंट आफ्टर 1.5 ईयर एट द रेट ऑफ 20% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली इज 10935, देन फाइंड द प्रिंसिपल। हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, रेट टाइम और अमाउंट गिवन है, पर बोला गया है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली के केस में क्या हो जाता है, रेट हाफ हो जाती है और टाइम डबल हो जाता है। सो इन फोर्थ क्वेश्चन, प्रिंसिपल हमें नहीं पता, रेट और टाइम और अमाउंट गिवन है, रेट है 25% हाफ ईयरली, हाफ ईयरली मीन्स रेट हाफ हो जाएगी 25/2%, और टाइम 1.5 ईयर गिवन है तो टाइम डबल हो जाएगा, 1.5 का डबल क्या होता है 3, तो हमने पहले फ्रैक्शन को सोल्व किया 3/2 आ गया और उसका डबल होएगा, 2 से 2 कट जाएगा मीन्स 3 ईयर आ गया। तो अमाउंट का फॉर्मूला पुट करेंगे, P × 1 + R/100 की पावर T, अमाउंट है 10935, P 1 + 25/2, 2 तो हमारा रेट से आया था ना, मल्टीप्लाई 100 की पावर 3, तो 25/200 हो जाएगा, जब एलसीएम लेंगे तो 200 + 25/200 की पावर3 प्लस किया 225/200, देन 25 पे कट किया 25 8 = 225 9 = 225 की पावर 3। नाउ क्या आ गया कट करके, 10935 = में P × 9/8 की पावर 3, 9/8 की पावर 3 को सोल्व करके राइट साइड ले आए तो ओपन किया 8/9 × 8/9 × 8/9, 9 से कट किया पहले कितना आ गया 1215, अगेन 9 से कट किया 135, अगेन 9 से कट किया 15 आ गया, 15 को 8 8 and 8 से मल्टीप्लाई की तो कितना आ गया 7680 रुपीज, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ क्वेश्चन 4th। क्वेश्चन नंबर 5, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन प्रिंसिपल इज 2 for 2 year एट द रेट ऑफ 6 × 1/4% पर एनम इज 25, फाइंड द प्रिंसिपल। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें टाइम गिवन है 2 ईयर, रेट गिवन है और पर एनम की गिवन है, और बोला गया है कि सीआई और एसआई के बीच का 2 ईयर का डिफरेंस 25 है, तो प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है हमें। अब एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक पे, डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई फॉर 2 ईयर। जब हमें 2 ईयर के सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस की बात की जाए तो फॉर्मूला है डिफरेंस इज इक्वल टू डिफरेंस फॉर 2 ईयर, ये जहां 2 ईयर की बात हो ये वही फॉर्मूला एप्लीकेबल है, डिफरेंस ऑफ 2 ईयर इज इक्वल टू में प्रिंसिपल मल्टीप्लाई आर बाय 100 का स्क्वायर। तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमें टाइम गिवन है 2 ईयर, रेट गिवन है 6 × 1/4% पर एनम, तो फ्रैक्शन को सोल्व किया मिक्स फ्रैक्शन को 24/25/4% पर एनम आ गया, डिफरेंस कितना गिवन है सीआई और एसआई का 25 रुपीज, तो हमने फॉर्मूला पुट किया अपना डिफरेंस इज इक्वल टू में P × R/100 की पावर 2, क्योंकि टाइम 2 ईयर गिवन है और ये फॉर्मूला भी वही एप्लीकेबल है जहां टाइम 2 ईयर गिवन है, 25 = P 25/4, तो हमारी रेट थी मल्टीप्लाई 100 का स्क्वायर, स्क्वायर को ओपन किया तो 25 का स्क्वायर आ गया 625, 4 का स्क्वायर 16, 100 का 100 × 100। अब P को राइट साइड ही पड़े रहने देंगे और बाकी को लेफ्ट साइड ले आएंगे, तो 1600 और 100 ऊपर आ जाएंगे, 625 नीचे, 25 पे कट किया 625 को 25 आ गया, 25 1 = 25 4 = 100, 16 4 = 64, 64 को 100 से मल्टीप्लाई की 6400 रुपीज, दैट इज प्रिंसिपल। एंड क्वेश्चन नंबर
फाइव। एक और बात का ध्यान रखिए, ये फॉर्मूला वही एप्लीकेबल है अगर डिफरेंस ऑफ सीआई एंड एसआई जहां टू इयर्स के केस में गिवन है, स्पेशली मेंशन किया है मैंने फॉर्मूला में फॉर टू इयर्स। दैट इज क्वेश्चन नंबर फाइव। नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स, अ सम ऑफ 2000 रुपीस अमाउंट टू 2163.20 इन टू इयर्स, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। प्रिंसिपल गिवन है, अमाउंट गिवन है, टाइम गिवन है, हमें रेट फाइंड आउट करना है कंपाउंडेड एनुअली पे। ये क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन नंबर टू की तरह है, तो ये आपको खुद करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर थ्री ईयर ऑन द प्रिंसिपल विच इन थ्री ईयर 5% पर एनम गिव 1200 रुपीज ऑन सिंपल इंटरेस्ट। सेवन समय हमें बोला गया है कि प्रिंसिपल फाइंड आउट करो, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करो एक ऐसे प्रिंसिपल पे 5% के से 3 इयर्स के लिए, जो प्रिंसिपल वही प्रिंसिपल 5% पर एनम से 3 इयर्स पे 1200 रुपीस सिंपल इंटरेस्ट देता है। तो हमें रेट गिवन है 5%, टाइम 3 इयर्स गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट 1200 गिवन है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पुट करेंगे पीआरटी बाय में 100, पी इंटू 5 बाय मल्टीप्लाई 3 बाय में 100, पी को राइट साइड पर रहने दिया और 5 एंड 3 को लेफ्ट साइड लेंगे, तो ये डिवाइड हो जाएगा। 5 से कट किया 1200 को तो 400 आ गया, 3 से कट किया 400 को तो 80 आ गया, 80 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 8000 रुपीज। तो यहाँ से हमारा प्रिंसिपल आ गया 8000 रुपीज। अब हमारे पास प्रिंसिपल है, रेट है 3 ईयर, रेट है 5%, टाइम है 3 ईयर, इसी पर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पुट किया हमने पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 की पावर टी माइनस 1। एक बात ध्यान रखना, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में माइनस 1 होता है जबकि अमाउंट के केस में माइनस 1 नहीं होता है, ये वाला माइनस 1। सो पुट की फॉर वैल्यूज, पी 8000 रुपीज आया हमारा, 1 प्लस 5 बाय 100 की पावर 3, 5 और 100 को मैंने 5 पर ही कट कर दिया, ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया 20 की पावर क्यूब माइनस 1। तो एलसीएम लिया 20 प्लस 1 बाय में 20 की क्यूब, 21 बाय 20 आ गया, इसको क्यूब ओपन किया तो हमारे पास आ जाएगा 21 का क्यूब 9261, और साथ में ही एलसीएम ले लिया तो डिफरेंस कितना आ गया इसमें से 8000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1261, और ये 8000 मल्टीप्लाई में पड़ा और 8000 नीचे डिवाइड में पड़ा, 8000 से 8000 कट हो गया तो कितना आ गया 1261 रुपीज। दैट इज आर कंपाउंड इंटरेस्ट। एंड क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर एट एंड नाइन इज कट। नाउ क्वेश्चन नंबर टेन, फाइंड द रेट एट विच अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट विल एट मोर ऑलमोस्ट डबल इटसेल्फ इन टू ईयर। रेट फाइंड आउट करना है जिस पर एक सर्टेन सम ऑफ मनी डबल हो जाएगी, डबल मीन्स अमाउंट क्या हो जाएगा हमारा डबल टू ईयर्स में, तो इंटरेस्ट क्या है कंपाउंडेड एनुअली है, तो हमें रेट फाइंड आउट करना है। लेकिन हमें प्रिंसिपल भी नहीं गिवन, तो हम प्रिंसिपल को कुछ लेट कर लें यहाँ पे एक्स। प्रिंसिपल अगर एक्स है तो अमाउंट क्या हो जाएगा उसका डबल, मीन्स 2x। सो क्वेश्चन नंबर टेंथ में हमें प्रिंसिपल नहीं गिवन, तो प्रिंसिपल हमने क्या लेट कर लिया एक्स। अब अमाउंट बोला है कि अमाउंट टू ईयर्स में डबल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, टाइम हमें टू ईयर गिवन है, रेट हमें नहीं गिवन, तो अमाउंट क्या होगा पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 की पावर टी। अमाउंट के फॉर्मूले में माइनस 1 नहीं होता, अमाउंट 2x है, पी एक्स है, 1 प्लस आर बाय 100 की पावर 2। x को लेफ्ट साइड लेके आए तो नीचे डिवाइड हो जाएगा, x से x कट गया, कितना रह गया 2, 1 प्लस आर बाय 100 की पावर 2। ये 2 है, ये लेफ्ट साइड आके स्केयर है ना, स्केयर लेफ्ट साइड आके क्या हो जाएगा स्केयर रूट, मीन्स 2 का स्केयर रूट हो गया 1 प्लस आर बाय 100। अब 2 का स्केयर रूट फाइंड आउट करना है तो हम लॉन्ग डिविजन मैथड से जो हमने चैप्टर 3 में किया था तो उसका स्केयर रूट फाइंड आउट करेंगे 2। 2 के बाद कोई नंबर नहीं है, 2 से आगे कोई नंबर नहीं है, तो हम 2 के आगे तो 0 लगा सकते हैं, अपना पेयर बना लिया 0-2 का, तो 2 के बाद क्या आ जाएगा पॉइंट, पॉइंट के बाद पहले 0-2 किस पे जा रहे हैं 1 पे, देन कितना आ गया माइनस करके 1, नेक्स्ट पेयर पिक किया हमने 100 क्योंकि पॉइंट स्टार्ट हो चुके तो ऊपर भी पॉइंट आ जाएगा, फिर 1 प्लस 1 2 तो 100 किस पे जा रहा है 4 पे, 96 आ गया। सिमिलर यू कैन डू 1.41, तो रूट 2 की वैल्यू कितनी आ गई 1.41। अब 1.41 इज इक्वल टू में 1 प्लस आर बाय 100, 1 को राइट साइड लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, 1.41 में से 1 माइनस होएगा तो 0.41 आ जाएगा, और 100 राइट साइड से लेफ्ट में आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100 तो कितना आएगा 4,
41% पर एनम, दैट इज रेट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ 15,000 रुपीज फॉर टू ईयर इज 96. व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट. वही हमारा क्वेश्चन फिफ्थ में जो फॉर्मूला पुट किया था वही हम पुट करेंगे यहाँ पे. टू ईयर्स का डिफरेंस दे रखा है सीआई और एसआई के बीच में 15,000 रुपीज पर, प्रिंसिपल 15,000 है और डिफरेंस कितना है 96 रुपीज टाइम टू ईयर. रेट फाइंड आउट करना है हमने. तो डिफरेंस ऑफ टू ईयर बिटवीन एसआई और सीआई, डिफरेंस का फॉर्मूला पुट किया हमने 11th क्वेश्चन में. डिफरेंस इज इक्वल टू में पी इंटू आर बाय 100 का स्क्वायर. डिफरेंस ऑफ सी आई एंड एस आई फॉर टू ईयर गिवन है हमें 96. प्रिंसिपल हमें 15,000 गिवन है, रेट नहीं गिवन, तो आर का स्केयर 100 का स्केयर क्या होगा, 100 मल्टीप्लाई 100, 96 इज इक्वल टू में 15,000. 20 से 20 कट, 10 से 10 कट, तो ऊपर क्या रह गया 15 मल्टीप्लाई आर स्केयर और नीचे क्या रह गया 10. अब आर स्केयर को लेफ्ट राइट साइड में पड़े रहने देंगे और 15 और 10 को लेफ्ट साइड ले जाएंगे, तो 15 डिवाइड हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा. 5 पे कट किया, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, देन 3 1 जा 3, 32 जा 96. 32 को 2 से मल्टीप्लाई की 64 आ गया, आर स्केयर इज इक्वल टू में 64. आर स्केयर 64 किसका स्केयर होता है, 8 का, 8 का स्केयर 2 से 2 कट, तो आर कितना आ गया 8%. दैट इज क्वेश्चन नंबर 11. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12. पल्लवी डिपॉजिट 46,870 रुपीज इन अ बैंक. प्रिंसिपल गिवन है इन हाउ मेनी ईयर दिस सम यील्ड अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 5,853. हमें कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है, रेट गिवन है 8% कंपाउंडेड हाफ ईयरली, सेमी एनुअली मींस हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली गिवन है तो रेट को क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे, टाइम का कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हमें टाइम गिवन ही नहीं है. सो 12th क्वेश्चन में प्रिंसिपल गिवन है, रेट 8% सेमी एनुअली मींस हाफ ईयरली गिवन है, तो हाफ ईयरली में क्या करते हैं रेट का हाफ कर देते हैं, 8/2 4% हाफ ईयरली, टाइम हमें नहीं गिवन, सीआई गिवन है. अब मैंने हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है रेट फाइंड आउट करना है, तो हम सीआई का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैंने अमाउंट का फॉर्मूला अप्लाई किया क्योंकि कैलकुलेशन इसमें इजी पड़ेगी, तो इसलिए आप सीआई का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो. तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है पी प्लस सी आई, पी प्लस सी आई इज इक्वल टू में 52,728. तो मैंने अमाउंट का फॉर्मूला अप्लाई किया, आप सी आई का भी कर सकते हो. यहाँ पे फॉर्मूला अमाउंट इज इक्वल टू में पी इंटू 1 प्लस आर की आर बाय 100 की पावर टी. अमाउंट है 52,728 और प्रिंसिपल 46,857, 1 प्लस 4 बाय में 100 की पावर टी. प्रिंसिपल को राइट साइड ले आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, फिर इनको 3 पे कट किया, 3 पे नीचे कट किया और 3 पे ऊपर कट किया, तो ये आ गया 17,576 और 15,625. दैट इज 1 प्लस 4 बाय 100 का एलसीएम लिया तो 104 बाय में 100, तो इसको 4 पे कट किया, ऊपर 26 आ गया, नीचे 25 आ गया. अब जो यहाँ पे आया इनका बाय एलसीएम मैंने क्यूब रूट फाइंड आउट किया, तो ये किसका होता है, किसका क्यूब रूट होता है 26 और इसका क्यूब रूट होता है 25, means 26 by 25 का क्यूब. ये हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं. अब बेस सेम है तो टाइम कितना आ जाएगा 3 ईयर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12. आप यहाँ पे सी आई का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, उससे भी हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. इन हाउ मच टाइम विल दिस सम ऑफ मनी डबल. कितने टाइम में एक प्रिंसिपल डबल हो जाएगा, मीन्स अमाउंट क्या हो जाएगा डबल, इफ इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 8% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम. हमें कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं बोला गया, बोला गया स्पेशली सिंपल इंटरेस्ट पे बताना है कि कितने टाइम में एक प्रिंसिपल अमाउंट का क्या हो जाएगा, अमाउंट उसका डबल हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट. तो 14th क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल नहीं गिवन, तो प्रिंसिपल हमने लेट कर लिया एक्स रुपीज, तो अमाउंट क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा 2x रुपीज. पर अब यहाँ पे स्पेशली एक बात बोली गई है एट सिंपल इंटरेस्ट, तो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लेंगे यहाँ पे. तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर मल्टीप्लाई टी बाय में 100 और सिंपल इंटरेस्ट. लेकिन सिंपल इंटरेस्ट तो है ही नहीं हमारे पास, अमाउंट और प्रिंसिपल है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है पी प्लस एस आई. पी एक्स है, अमाउंट 2x है, सिंपल इंटरेस्ट x को वहां ले जाएंगे 2x माइनस x, x तो सिंपल इंटरेस्ट भी क्या आ जाएगा हमारा x रुपीज.
फॉर्मूले में पुट किया, x इज इक्वल टू, में प्रिंसिपल भी x था, रेट 8% थी, टाइम हमें नहीं पता, बाय में 100 को ऊपर ले जाएंगे और 8 और x को यहाँ नीचे ले आएंगे, x से x कट जाएगा, 100 बाय 8 को कट करेंगे 4 से, 4 टू जा 425, तो टाइम कितना आ गया 25/2, मीन्स फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे 12 × 1/2 ईयर्स, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। ये 12 × 1/2 ईयर कैसे आया, 25 को 2 पे कट किया, 2 × 1 = 2, देन 5 पिक किया, 2 × 2 = 4, 12 × 1/2, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज एक्सरसाइज 13.3। थैंक यू।